नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड में एक ही चरण में 14 फरवरी सोमवार को मतदान होगा और मतों की गिनती 10 मार्च गुरुवार के दिन होगी। अब चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों की सूची का इंतजार कर रही है। इस बीच बड़ी खबर मिली है कि भाजपा 21 जनवरी से पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रत्याशियों की घोषणा एक ही चरण में होगी या अलग अलग चरणों में, यह पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा। उनके मुताबिक पार्टी विधानसभा चुनाव पहले से तैयारी में थी। 6 महीने पहले जो रोड मैप तैयार किया गया था उस पर पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। कौशिक ने बताया है कि पार्टी केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अपनी नई चुनावी रणनीति बनाएगी। पार्टी के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। कौशिक के मुताबिक पार्टी नामांकन से पहले प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। नामांकन 28 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। मदन कौशिक के मुताबिक भाजपा का घोषणा पत्र नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले आ जाएगा। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पार्टी ने विजय संकल्प यात्रा के दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुझाव पेटिका भी भेजी थी। पार्टी को सभी 70 सीटों से लोगों के सुझाव प्राप्त हो गए हैं। कमेटी ने भी अपने स्तर पर कसरत कर ली है। अब सुझावों को शामिल करते हुए पार्टी घोषणा पत्र के प्रारूप को अंतिम रूप देगी। ऐसे संकेत हैं कि इस महीने के दूसरे हफ्ते में पार्टी घोषणा पत्र जारी कर सकती है। वहीं इस विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही कांग्रेस भी पूरे जोश में है। अगले 2-3 दिन में पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। साथ ही इसी हफ्ते पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि हमारा होमवर्क पूरा है, कांग्रेस चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। गोदियाल ने कहा कि वह चुनाव आयोग ने नियत समय पर राज्य में चुनाव की तारीख की घोषणा की, इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को दोगुना जोश आ गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। अगले 2-3 दिनों के अंदर पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति को पहले लिस्ट भेजकर जारी कर सकती है। इसमें करीब 45 सीटों पर दावेदारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जो भी गाइडलाइन जारी की है पार्टी उससे सहमत है। कांग्रेस सभी गाइडलाइन का पूरी गंभीरता के साथ पालन करेगी और उसी हिसाब से चुनाव लड़ेगी। इधर चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि पार्टी ने 45 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के चयन को पूर्णतः संपन्न कर लिया है। अन्य क्षेत्रों में भी लगभग सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रथम चरण में जनसभाएं लगभग पूर्ण कर ली हैं। अब पार्टी चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही आगे चुनाव प्रचार में जुटेगी। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।